आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं उत्तराखंड से लगा, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल से लगा हुआ एक तपस्वी जी की कुटी है, वहाँ पर तपस्वी महाराज भी उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं। और साथ में जो श्रद्धालु लोग हैं, जो आश्रम कुटिया से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी हैं, आप देख सकते हैं, ये सब लोग बैठे हुए हैं। और आज इन लोगों का एक सवाल है कि एक जिज्ञासा हुई इन लोगों के मन में कि भगवान जो है क्या होते हैं, क्या कोई इंसान भगवान बन सकता है, हो सकता है या नहीं। ये आप हमारे हिंदू समाज के जो जिज्ञासा है, या फिर कहीं कहीं पे बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होता है, एक जो दुविधा रहती है मन में कि इंसान भगवान नहीं हो सकता है, या भगवान हो सकता है तो कैसे हो सकता है। तो एक सवाल है ये। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना पड़ेगा, योग के जिज्ञासु सनातन संस्कृति के जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं, जो मेरे लिए सुन रहे हैं और जो अब तक मुझे मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति या इंसान भगवान बन सकता है तो कैसे या फिर नहीं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि भगवान कहते कैसे हैं। आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि भगवान कहते कैसे हैं, तब तक आप उसकी जो है सही दिशा में परिभाषा या समाधान को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आप इसमें जो है भगवान शब्द को आप ले लीजिए, भगवान शब्द में भागा वा और ना, ये चार शब्द आते हैं और एक आकार की मात्रा आती है, चार शब्द हैं और चार अक्षरों के मेल से जो ये शब्द बना है उसमें एक आकार है बीच में, माने पांच चीज़ें जुड़ के बनी है भगवान। कुछ लोग कहते हैं जो कि शिक्षित नहीं हैं और अशिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिनको अच्छा सत्संग नहीं मिला है, वो भगवान शब्द की पता है क्या व्याख्या करते हैं, वो भगवान शब्द की जो व्याख्या करते हैं वो कहते हैं भग, भग माने योनि और बान माने होता है लिंग। जो अज्ञानी समुदाय है, जो अशिक्षित है, वो ये दो अर्थ करता है, भग प्लस वान, भग माने योनि और बान माने लिंग। ये परिभाषा उचित नहीं है, मैं कहता हूँ, मेरा अनुभव कहता है ये जानकारी आप लोगों की प्रॉपर नहीं है, ये उचित नहीं है। अब उचित क्या है, हम लोग उचित की ओर चलते हैं। तो जो भग है और बान है, जैसे थोड़ी देर को मैं उदाहरण देता हूँ, ये जो भग शब्द है, भग का अर्थ यहाँ पर योनि से नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पहले अपने वीडियोस में आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि शब्दनाम अनेक अर्थ था, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। यहाँ पर किस संदर्भ में ये बात कही जा रही है आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, अपने पूर्वाग्रह को छोड़ करके। तो इसमें जो भग है, यह भग नहीं, यह जो एक रोरी संधि है, जो संस्कृत की व्याकरण है, ग्रामर है, उसके आधार पर यह भर्ग है, भर्गवान, यह भर्ग है, भग नहीं। भग को हम लोग हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में अगर हम बोलेंगे तो इसको भर्गवान कहेंगे। और भर्ग का अर्थ आपको पता है क्या होता है, भर्ग का अर्थ होता है तेज, भर्ग का अर्थ होता है प्रकाश, भर्ग का अर्थ होता है ज्ञान, भर्ग का अर्थ होता है उजाला। अब आप कहेंगे ये कहाँ से बोल दिया, यहाँ पे उदाहरण है। फॉर एग्जांपल, जैसे गायत्री मंत्र है, आप लोग जो गायत्री मंत्र का जो पाठ करते हैं तो उसमें आया है ओम तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो, भर्ग आया ना, तो इसमें जो भर्ग है, भर्ग कहते हैं तेज के लिए, कि हम उस परमात्मा तेज, जो तेज स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, हम ऐसे परमात्मा की उपासना करते हैं या प्रणाम करते हैं, वो परमात्मा हमारी बुद्धि के लिए प्रकाश या ज्ञान प्रदान करे, धीमे धियो योना प्रचोदयात, माने ज्ञान की ओर ले जाए, प्रकाश की ओर। तो भर्ग माने हुआ प्रकाश, भर्ग माने हुआ ज्ञान, तो भर्गवान, मैं भगवान की बात नहीं, क्योंकि ये जो मूल शब्द है वो भग नहीं, भर्ग है। धीरे धीरे अपभ्रंश होते हुए हमने उसको भगवान में ले लिया,
भगवान हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में भर्ग, भर्गवान कहेंगे। अब होता क्या है, तो बान का मतलब क्या है, भर्ग तो क्लियर हो गया, बान किसे कहते हैं? तो जो बान का अर्थ है, ये जो बान का जो अर्थ है, बान का अर्थ होता है धारण करना। बान का अर्थ लिंग नहीं है। भर्ग का अर्थ क्लियर हो गया, भर्ग माने तेजस स्वरूप होता है, जो प्रकाशमान है, लेकिन बान का अर्थ होता है धारण करना। जो प्रकाश को धारण करने वाला है वह भगवान है, जो सत्य को धारण करने वाला है वह भगवान है। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है, जैसे कि धनवान, धनवान धन को धारण करने वाला धनवान, और बलवान जो बल को धारण करता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बल होता है उसको जो धारण करने वाला है वो बलवान होता है। बुद्धिमान तो जो बुद्धि को धारण करने वाला है। इसी प्रकार से भर्गवान माने तेज को धारण करने वाला, सत्य को धारण करने वाला, उजाले को धारण करने वाला, कल्याणमय स्वरूप को धारण करने वाला, उसको कहते हैं भर्गवान या भगवान। तो आपकी आपकी परिभाषा क्लियर हो चुकी है मुझे लगता है। और एक और अच्छा सा अर्थ है जो कि आप लोगों ने सुना भी होगा या नहीं सुना है, तो मैं आपकी जानकारी को बताता हूँ। ये तो शब्दार्थ हुआ, एक भावार्थ भी है। ये जो हमारा जो संसार है, हमारा जो शरीर बना है, वो 5 तत्व से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश 5 तत्व से बना है। और भगवान शब्द में 5 चीज़ें हैं, भासे भूमि, गासे गगन, और बासे वायु, और आकाश जो डंडा लगा है वो आकाश का सूचक है, और नासे नीर। माने 5 तत्व को जो धारण करने वाला है, जो 5 तत्व हैं, 5 महाभूत हैं, उस शक्ति को जो धारण करने वाला है, जिसने संसार को धारण कर रखा है, उसको हम भगवान कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं, इन 5 तत्वों के ऊपर जब जिसका नियंत्रण आ जाता है, हेलो, जिसका नियंत्रण आ जाता है, जो बॉडी के अंदर 5 तत्व हैं, उनके उन पे नियंत्रण करना आ जाता है, कि जल को कैसे हम ऑपरेट करें, अपने वायु को कैसे ऑपरेट करें, अपने भूमि तत्व को कैसे, जो पंचकोश की साधना है, जैसे मूलाधार चक्र होता है उसमें पृथ्वी तत्व विद्यमान है, स्वाधिष्ठान चक्र है उसमें जल तत्व की प्रधानता है, एक जो है नाभि चक्र उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है, एक जो है अनाहत चक्र है जिसमें कि वायु तत्व की प्रधानता है, और एक 5वां है विशुद्ध चक्र जिसमें आकाश तत्व की विद्यमानता है। आकाश का गुण शब्द होता है या ध्वनि होता है, तो यह ध्वनि और शब्द हमारे कंठ से निकल रही है, कहते हैं कि उसके कंठ में सरस्वती का वास है। तो यह जो चल रहा है कार्यक्रम, ये आप व्याख्याओं से परिचित हो गए। माने जिसने 5 तत्वों पर विजय प्राप्त कर लिया है वो व्यक्ति भगवान होता है। अब मान लीजिए जैसे हमारे महापुरुष, हमारे देव पुरुष भगवान राम, भगवान कृष्ण है ना, इनको हम भगवान कहते हैं। तो अब ये एक प्रक्रिया आती है कि हम लोग भगवान कैसे बन सकते हैं, माने एक मानव भगवान कैसे हो सकता है। यदि आप योग साधनाओं के द्वारा, आप भक्ति की साधनाओं के द्वारा यदि आप 5 तत्व पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, और आपका आचरण और व्यवहार जो है समाज को एक दिशा दे रहा है सही दिशा में, सार्थक दिशा में, तो निश्चित रूप से आप भगवान की उपाधि को धारण कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक हमारे जो सामने एक जिज्ञासु बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात अभी बोला था कि भगवान हम लोग कर्म से बन सकते हैं। कर्म से कैसे बन सकते हैं, क्योंकि कर्म ही पूजा है। क्या बोला है, कर्म ही पूजा है। यदि रामचंद्र जी के, कृष्ण जी के कर्म श्रेष्ठ नहीं होते, तो आज क्या हम लोग उनकी पूजा मंदिरों में मूर्ति बना के कर रहे होते? क्या कर्महीन व्यक्ति की पूजा हो सकती है? क्या कोई कर्महीन व्यक्ति की बात को फॉलो करेगा, बात को मानेगा क्या? तो जो कर्मवीर है, लेकिन ऐसा कर्म अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण हो, समाज का भी हित हो, समाज में न्याय की स्थापना हो। तो कर्म की दृष्टि से और योग की दृष्टि से भगवान शब्द की यही एक व्याख्या है। अब आप कहेंगे कि भगवान कैसे हो सकता है, क्यों भैया, क्यों नहीं हो सकता है? बात यह है कि जैसे कोई व्यक्ति पेट से जब पैदा होता है माँ के, तो वह एक इंसान का बच्चा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी शिक्षा
जैसे जैसे उसकी परवरिश, जैसे जैसे वातावरण में उसका होता है, वैसे वैसे गुण और दोष उसके नेचर में, प्रवृत्ति में आते जाते हैं, और जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है वैसे उसकी पहचान बन जाती है समाज में। तो मेरा यह सुझाव है, मेरा यह निवेदन है, निश्चित रूप से तुम भगवान हो सकते हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए साधना करनी होगी। तुम्हें अपने को जानना होगा, पहचानना होगा कि तुम पंच महाभूत के शरीर में जो कैद हो, यू आर एंटेंगल्ड, यू आर एंटेंगल्ड इन द केव ऑफ द बॉडी विच आर कंपोज्ड बाय फाइव एलिमेंट्स ऑफ द मैटर, जो पांच तत्व के योग से जो हमारा शरीर बना है, और इस शरीर में तुम एक फंसे हुए हो, एक जो उलझे हुए हो, एंड एनचेंड माने बंधे हुए हो तुम इसमें। यू मस्ट नॉट टू द होल्डर ऑफ द बॉडी, यू आर जस्ट नॉट अ बॉडी, यू आर ए होल्डर ऑफ ए बॉडी। तुम्हें उसको जानना होगा जो इस पंच तत्व के शरीर को धारण करे हुए है, और जिस दिन तुमने इन पांच तत्व के शरीर में बने हुए इस पिंजड़े के अंदर जो कैदी रह रहा है, जो ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जिसे बोला गया है, जिस दिन तुमने उसका साक्षात्कार कर लिया, तुमने अपने आप को जान लिया जो कि परमात्मा का अंश है। कृष्ण भी कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि इंद्र आरुणी माया, कि माया के वशीभूत जो माया का शरीर बना, इसके अंदर रहने वाला जो शक्ति है, उस शक्ति का जो साक्षात्कार कर लेता है, और जो अपने विकारों से परे हो जाता है, जो अपने मन को वश में रख सकता है, जो कंट्रोल कर सकता है अपनी इंद्रियों और इंद्रियों के सब्जेक्ट के ऊपर, दैट पर्सन कैन बी स्पोकन एंटाइटल्ड बाय भगवान और अ लॉर्ड, वो व्यक्ति भगवान की संज्ञा को प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति अपने को शरीर मान रहा है, शरीर मान के जीवन जी रहा है, निश्चित रूप से वो भगवान नहीं, अभी वो अज्ञान है। तो हमें अज्ञानता से निकलना है, कर्म से ही व्यक्ति महान बनता है, कर्म से ही निकृष्ट होता है, कर्म की ही पूजा है। जैसे कि एक टीचर के पढ़ाए हुए, एक मास्टर के पढ़ाए हुआ एक चपरासी रह जाता है, एक घास खोदने वाला रह जाता है, और एक व्यक्ति डॉक्टर मास्टर एक जो मिलिट्री में चला जाता है, तो उसने अपनी क्वालिटी को बढ़ाया। तो एक डॉक्टर बनता है, एक मास्टर बनता है, एक राइटर बनता है, एक फाइटर बनता है, एक कमांडो बनता है, एक राजनेता बनता है, एक कवि बनता है, एक कलाकार बनता है, एक भगवान का भक्त बनता है। ये सभी एक ही टीचर के बनाए हुए होते हैं। एक चपरासी एक डीएम बन जाता है, लेकिन जिसने आगे की यात्रा करना बंद कर दिया, चपरासी तक पढ़ाई करोगे चपरासी बनोगे, आगे पढ़ोगे तो सिपाही दरोगा भी बन सकते हो, आप लेखपाल भी बन सकते हो, थानेदार बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन इंसान तो वही है ना। इंसान अपनी क्वालिटी को बढ़ाता है। त्रिगुण विश्वावेद निस्तरगुणो भवार्जुन, जो तीन गुणों के पार चला जाता है वह भगवान है। फिर मिलूंगा अग्रिम नवीन जानकारियों के साथ, फिर मैं उपस्थित होऊंगा। लेकिन एक संदेश देना चाहता हूं कि जो अच्छी वीडियो आपको लग रही हैं, ये सब उन वीडियो को निश्चित रूप से आप जानकारी को शेयर करें, ताकि हमारा हिंदू समाज जागृत हो, वो बहुत लोगों के सवालों का जवाब दे सके, उसका अंधविश्वास दूर हो, और एक विश्वास के साथ में साधना करें, पूजा करें। हमारे हिंदुओं में एक कमी है कि वो कंजूस ज़्यादा है और अच्छी चीज़ को दबा देता है, बुराई का प्रचार ज़्यादा करता है। तो इसलिए कृपया आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।